मैं सुनीता बैरवा, आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 5 यानी कि कक्षा 5 की हिंदी का पाठ चौथा। इसका नाम है त्योहारों का देश। बच्चों इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि हमारा जो देश है, भारत जो देश है, वो त्योहारों का देश है और उसमें विविधता में एकता पाई जाती है। यानी कि हमारा जो देश है भारत, उसमें अनेक देश अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और बहुत धर्मों के और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन जो त्योहार वो मनाते हैं वो सभी आपस में मिलकर मनाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ पढ़ना। हुलस रहा माटी का कणकण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी कि बच्चों कभी कहना चाहता है कि हुलस रहा यानी कि प्रसन्न हो रहा, कि हमारे देश की माटी का हर कणकण प्रसन्न हो रहा है और उमड़ रही रसधार और रसधार उमड़ रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है और हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। बच्चों कभी कहना चाहता है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर खुशियों का एक उमंग और एक उत्साह है और वो सारी अपनी जैसे ऋतुओं के क्रियाकलापों को त्योहारों के रूप में मनाते हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं हर एक ऋतु के साथ, जैसे कि सावन ऋतु में लोग व्रत करते हैं, झूले झूलते हैं, उसी तरीके से सावन ऋतु में राखी का त्यौहार भी आता है और जिसमें लोग बहने या लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती है और बहुत खुश होती है। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बसंत पंचमी आती है, दीपावली आती है। तो कभी कहना चाहता है कि हमारा जो देश है उसमें हर ऋतु में एक अलग अलग प्रकार के त्यौहार आते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के त्यौहार आते हैं, लेकिन फिर भी हम सब मतलब हर जाति का इंसान उसे मिलकर मनाता है। तो हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार हैं और हमें इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। मतलब बच्चों कभी कहना चाहता है कि जैसे ही मन भावन यानी कि मन को भाने वाला सावन आते ही, मतलब जैसे ही मन को भाने वाला सावन आ जाता है। बच्चों सावन एक ऋतु है, इसमें बारिश बारिश आना मतलब शुरू हो जाती है और बारिश आने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हरियाली छा जाती है और चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं। तो बच्चों कभी कहना चाहता है कि जैसे ही सावन को सावन आता है यानी मन भावने वाली ऋतु, बच्चों इसमें बारिश होने लगती है, बारिश होना शुरू होती है और चारों तरफ हरियाली आ जाती है जिससे जो लोगों के मन को बहुत भाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, और बच्चों सावन के महीने में ही राखी का त्योहार आता है और बहने जो की एक बहन भाई के प्यार का प्रतीक होता है राखी का त्योहार, उसे मनाती हैं बहनें और अपने भाइयों को राखी बांधती है और फूली नहीं समाती है, यानी कि बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। घर बाहर झूले ही झूले, और बच्चों सावन के महीने में घर और बाहर मतलब झूले झूले हो जाते हैं, यानी कि सावन का महीना आते ही बच्चों बच्चे सभी औरतें छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, घर में झूले डालते हैं, बागों में जाते हैं झूले झूलने, पार्क में जाते हैं और व्रत करती हैं लड़कियां सावन के महीने में सावन सोमवार का, और वहां पे बाहर झूले 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 जाती है, मतलब सभी घर और बाहर में झूले झूलकर उस पे झूलते हैं। गाते राग मल्हार है, और बच्चों जो औरतें होती है जो या फिर लड़कियां जो होती है वो झूला झूलते हुए मल्हार जो कि एक सावन का एक गीत होता है, राग यानी कि गीत से गाती है, उसे बार बार गुनगुनाती है, उससे अपनी खुशी प्रकट करती है, वो बताती है कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। कवि ये कहना चाहता है कि हर ऋतु में हमारे त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि सावन में आया, राखी भी आई है, और राखी भी आने के बाद हमने क्या किया, जैसे बारिश होने लगी है तो उसमें सावन के झूले घर और बाहर में झूले डाले हैं लोगों ने और उस पे झूल रही हैं औरतें और बच्चे, तो वो औरतें गीत गा रही हैं मल्हार गीत जो सावन का एक गीत होता है, राग यानी कि गीत होता है। कभी कहता है आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, यानी कि आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, उस दिन आजादी के दिवस तिरंगा, बच्चों तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, दिवस यानी कि दिन मतलब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन घर घर पर लहराता है, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है वो घर और बाहर में लहराता है, मतलब हम उसे फहराते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, और बच्चों कभी कहना चाहता है कि आजादी के दिन जो तिरंगा हम फहराते हैं वो हमें वीर शहीदों यानी कि जो वीर जवान जो शहीद
हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए हैं वीरतापूर्ण, उनकी हमें गाथा यानी कि कहानियां सुनाता है और हमको याद दिलाता है कि हमारे बहुत सारे जवान या बहुत सारे लोग हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिए हैं, वीरतापूर्ण वो शहीद हो गए हैं, उनकी हमें याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है और उनकी गाथाएं सुनकर यानी कि उनकी कहानियां सुनकर हमारा जो मन है भावों से भर जाता है, मतलब हम लोग भावुक हो जाते हैं। माँ की जय जयकार है और हम उनकी जय जय मतलब भारत माता की जय जयकार करके उनकी हम अपनी प्रसन्नता को दिखाते हैं और हम उस पर गर्व होता है कि वो हमारा, हम इस देश में हमने जन्म लिया है, यानी कि त्योहारों का देश हमारा, हमको उससे प्यार है। और कभी बार बार ये कहना चाहता है कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है। बच्चों, त्योहारों का देश बताते हुए कवि ने हमारे देश यानी कि हमारे राष्ट्र ध्वज जिस दिन लहराता है उस दिन हम लोग किस तरह उसका सम्मान करते हैं, किस तरह शहीद जवानों की वीर गाथा को याद करते हैं, उसे बताया है और कहा है कि उनको स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उनकी किस प्रकार उनकी गाथा को याद करते हैं और हमारा मन है वो भावों से भर जाता है और फिर हम भारत माता की जय जयकार लगाकर हमारी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं और हमको इससे बहुत प्यार है। और बच्चों, कवि कहता है, आता है हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे हैं, यानी कि हर वर्ष यानी कि हर साल दशहरा आता है यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत बताता है। दशहरे का अर्थ होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत किस प्रकार होती है। जिस प्रकार भगवान राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत की थी उसी तरीके से दशहरा उसका प्रतीक है। वो हमारे देश में हर वर्ष आता है, हम उसे हर वर्ष मनाते हैं। होते खेल तमाशे हैं और बहुत सारे खेल तमाशे यानी कि मेले लगते हैं, वहाँ पे खेल तमाशे होते हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं, बहुत ही आकर्षक एक सीन होता है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से उसे मनाते हैं। दिवाली पर दीपदान यानी दिवाली पर हम बहुत सारे दीप जलाते हैं, फुलझड़ियाँ खीर बताशे हैं। और बच्चों, कभी ये कहना चाहता है कि हमारे हर वर्ष तो हम लोग दशहरा मनाते हैं और दीपावली भी हर वर्ष आती है और हम दिवाली को क्या करते हैं, दीप यानी कि दीपक जलाते हैं और फुलझड़ियाँ खीर बताशे यानी हम फुलझड़ियाँ जलाते हैं। बच्चों, फुलझड़ियाँ एक प्रकार का पटाखे का रूप होता है। खीर बताशे यानी कि बहुत सारी मिठाइयाँ हम बांटते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखे यानी कि बहुत सारे भीड़ भड़ाके हो जाते हैं, हम लोग बाहर सबसे मिलने जाते हैं और मेले लगते हैं बहुत सारे। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है और हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है, हमें इससे प्यार है। बच्चों, कवि कहना चाहता है कि हमारे देश में हर वर्ष दशहरा मनाया जाता है, दिवाली का त्यौहार आता है, बहुत सारे पटाखे वगैरह फुलझड़ी वगैरह हम लोग जलाते हैं, बहुत सारे मेले लगते हैं और खेल तमाशे होते हैं। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती है। बच्चों, कभी कहना चाहता है कि ईद यानी कि ईद जब आती है तो वो भाईचारे का संदेशा यानी कि संदेश लेकर आती है। बच्चों, हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं और जो ईद है वो मुसलमानों का त्यौहार है लेकिन फिर भी उसे सभी धर्म के लोग मनाते हैं यानी कि हिंदू क्रिश्चियन जो सभी लोग होते हैं वो उसे मनाते हैं। उस दिन ईद के दिन क्या करते हैं, मुबारक यानी होता है सुबह यानी कि ईद मुबारक आती है, मतलब सब लोगों के भाईचारे का संकेत लेकर ईद आती है। सभी लोग मीठी खीर या सेवैयां बनाते हैं जो कि सबको बहुत ही अच्छी लगती है और इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं जबकि मुसलमानों का त्यौहार है लेकिन हमारे देश में से सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं, ये भाईचारे का संकेत देती है। और बच्चों, कभी कहना चाहते हैं आगे, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और बच्चों, कभी सभी धर्मों के त्योहारों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। बच्चों, क्रिसमस ईसाई के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे क्रिसमस बोलते हैं, ये ईसाइयों का त्यौहार होता है लेकिन हमारे देश में इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। स्कूलों में कई मेलों को कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बड़ों के द्वारा या सांता के द्वारा बहुत सारे उपहार यानी कि गिफ्ट दिए जाते हैं जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों, ये सभी धर्मों के बच्चे मनाते हैं और स्कूलों में इसके लिए कई कई अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी होते हैं और बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो बच्चों, कभी ये कहना चाहता है कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है, हमें बहुत गर्व है कि हमने भारत देश की जन्मभूमि पर जन्म लिया है।
कवि आगे कहते हैं, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। मतलब बच्चों, लोकतंत्र यानी जनता का शासन की झांकी ले 26 जनवरी आती है। मतलब 26 जनवरी का त्योहार आता है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। और 26 जनवरी के बाद बच्चों वसंत पंचमी आती है। बासंती फूल यानी बसंत ऋतु में खिलने वाले फूल। बसंत ऋतु आती है, खुशबू झोली में भर जाती है। और बच्चों वसंत ऋतु में बहुत सारे पीले पीले फूल हो ना, वो अपनी खुशबू को वातावरण में बिखेर देते हैं। होली में डफ डोल यानी होली, उसके बाद में वसंत ऋतु के बाद में क्या आती है, होली आती है। डफ डोल ये चमड़े से बना एक वाद्य यंत्र होता है, इसे बजाते हैं लोग होली में। मंजीरे रंगों की बौछार है। मतलब कवि कहना चाहता है कि 26 जनवरी का त्योहार आता है, उसके बाद में क्या आती है, वसंत पंचमी आती है, जो वातावरण में अपने पीले पीले खुशबू को बिखेर देती है, पीले पीले फूलों की खुशबू को बिखेर देती है। और मतलब झोले में भर देती है, यानी वातावरण में अपनी खुशबू को भर देती है। और उसके बाद में क्या आता है, होली का त्यौहार आता है, इसमें लोग डफ बजाते हैं यानी कि वाद्य यंत्र होता है, इसे बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, और चारों तरफ रंगी रंग बिखर जाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और बच्चों कवि कहना चाहता है बार बार कि हमारा देश है वो त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। तो बच्चों इस कविता में कवि कहना चाहता है कि हमारा जो देश है वो विविधता में एकता वाला है, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और अलग अलग धर्मों अलग अलग जातियों के ये त्यौहार होते हैं, लेकिन इसे सभी मिलकर मनाते हैं, जैसे कि ईद, क्रिसमस, होली, दीपावली, दशहरा या मकर संक्रांति। ये त्यौहार अलग अलग धर्मों के लोगों के होते हैं, लेकिन इसे सभी मिलकर मनाते हैं। हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी धर्म के लिए, उन्हें सभी मनाते हैं। क्रिसमस डे के दिन स्कूलों में कई कार्यक्रम होते हैं, और सभी बच्चों को बिना भेदभाव के बहुत सारे उपहार और गिफ्ट दिए जाते हैं बड़ों के द्वारा। और जैसे कि दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत को बताया जाता है। कई जगह मेलों का आयोजन होता है जिसमें सभी प्रकार के लोग जाते हैं। ईद पर भी बच्चों, ये मुसलमानों का त्यौहार होता है लेकिन इसे सभी मिलकर मनाते हैं। ईद भाईचारे का संदेश देने वाला त्यौहार है। और दीपावली के त्यौहार को भी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चन, जो ईसाई लोग होते हैं वो सभी मिलकर मनाते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा हिंदी का पाठ चौथा, त्यौहारों का। तो बच्चों अब हम आगे इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्द हुलसना यानी कि प्रसन्न होना, यानी कि बहुत खुश होना। गाथा यानी कि कहानियां। खुशबू यानी कि सुगंध। मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग या गीत। रसधार यानी कि रस की धारा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पाठ त्योहारों का देश, और हमने उसके शब्दार्थ किए। अगली क्लास में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। मैं सुनीता बैरवा, धन्यवाद।